यह पाठ क्षितिज पाठ पुस्तक के गद्य से लिया गया है यह नौवीं कक्षा अच्छा के छात्रों के लिए है यह पुस्तक क्षितिज भागवन और इसमें गद्य खंड का यह दूसरा पाठ है जिसमें लेखक ने लेखक राहुल सांकृत्यायन ने अपनी यात्रा वित्तांत जो तिब्बत की राजधानी लहाशा के लिए एक बौद्ध भिक्षुक के रूप में बौद्ध भिक्षुक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो यहाँ उन्होंने उसकी यात्रा की और तिब्बत जो है वह बौद्ध के लिए बौद्ध धर्म में उसका बहुत प्रचार प्रसार है और वहाँ के लोग बौद्धिस्ट लोग हैं जो बौद्ध धर्म को बहुत अधिक श्रद्धा से मानते हैं इसलिए वहाँ पर उन्होंने इसका वर्णन किया है उस तो यात्रा में उन्हें क्या सब अनुभव हुई उस यात्रा में उन्होंने तिब्बत की यात्रा लिया जो उन्नीस सौ में नेपाल के रास्ते की थी यह रास्ता बंद था बंद किया गया था चीन पहले तिब्बत पर आक्रमण ये कैप्चर किए हुए था चीन के अधीनस्थ था वह राज्य वह तिब्बत देश बाद में हमारी स्वतंत्र हमारी सरकार की अथक प्रयास से यह तिब्बत स्वतंत्र हुआ और वहाँ शुरू से ही लोग बौद्धिस्ट थे जिस समय की यह घटना है उस समय में हमारा देश भी प्रतन था उन्नीस सौ की घटना यात्रा किए थे इन्हें जाना था बौद्ध प्रचार में बौद्ध के इनके बहुत सारे शिष्य भी वहाँ इनके दोस्त के बहुत सारे शिष्य भी वहाँ थे इसलिए इन दोनों दोस्त जाना चाहे तो प्रतिबंध था सीधे भारत से सीधे तिब्बत जाने में ये नेपाल के रास्ते से जाना यह था इसलिए वह रास्ता तो बहुत दुर्गम थी क्योंकि नेपाल के मार्ग से जाने में बहुत सारे पहाड़ों को पहाड़ियों को टपना पड़ता था जाना पड़ता था पार करके इसलिए थोड़ी वह रास्ता दुर्गम थी फिर भी इन्होंने भिखमंगे का छद्म वेश बनाया और भिखमंगे के वेश बनाकर उस रास्ते से चलना शुरू किया इसी कथा को उन्होंने इसी यात्रा वितरण को उन्होंने अपनी रोचक ढंग से उसका वर्णन किया है इसमें इनकी शैलिया वित्त उस समय तिब्बत समाज के बारे में उस यात्रा वित्तांत में तिब्बत का क्या समाज था तिब्बत में अतिथियों की किस तरह सेवा की जाती थी या क्या सब होता था इस तरह का इसमें इसमें वर्णन है कहते हैं यह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है फरी कलोंग पोंग का रास्ता जब नहीं खुला तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान को भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी देशों का व्यापार तो होता रहता है तो उधर से तो जो सीधी रास्ता सीधा रास्ता नेपाल भारत का है तिब्बत भारत का था वह तो बंद हो चुका था चीन ने बंद कर रखा था इसलिए इसी मार्ग से लोग जाया करते थे नेपाल के व्यापारी वर्ग भी उसी मार्ग से जाकर तिब्बत में अपना सामान पहुंचाते थे चाहे तिब्बत से जो सामान भारत में आने वाली थी यानी आयात निर्यात का काम भी उसी माध्यम से हुआ करता था इसलिए जगह जगह उस रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे जहाँ तहाँ फौजी चौकियाँ उस पर चीन का आधिपत्य था लेकिन वह चीन जब मुख्य रास्ते को ही बंद कर चुका था इसलिए वह फौजी राष्ट्रीय फौजी चौकियों पर या किले पर कोई रहते नहीं थे जिसमें हाँ आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया वह आजकल जो जिस समय में इन्होंने यात्रा की उस समय तक फौजी का आधिपत्य फौजी वहाँ रहना बंद कर दिया वह फौजी तो चीन का फौज था चीन की सेनाएँ थीं जो भारत के आक्रमण के डर से वह तिब्बत को ही और नेपाल के बीच जो सीमा थी उन सीमाओं पर अपना रक्षा कायम किया था रखा रखा रहता था वहाँ बहुत सारे किलाए और फौजी चौकियाँ जहाँ तहाँ बने हुए थे लेकिन वो अब समाप्त हो चुके थे इसलिए दुर्ग में दुर्ग के अगल बगल के लोग जो थे किसान लोग वो लोग उसमें अपना बसेरा बनाए हुए थे ऐसा भी प्रत्यक्ष एक चीनी किला था वहाँ चाय पीने के जब रास्ता शुरू किए तो लेखक लिखते हैं ऐसा ही एक प्रत्यक्ष यानी छोड़ा हो प्रत्यक्त का अर्थ होता है छोड़ा हुआ छोड़ा हुआ बसेरा किला था जहाँ वे लोग चाय पीने के लिए ठहरे तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं तो कुछ आराम की बातें भी हैं तिब्बत की यात्रा में लेखक लिखते हैं कि बहुत सारे कठिनाई भी थी तो बहुत सारे आराम वहाँ जाँच छुआ छुआछूत का सवाल ही नहीं और नौ औरतें ही पर्दा करती थी जैसे हमारे भारत में अभी भी औरतें पर्दा में रहा करती है और ये अज्ञात लोगों से या अपरिचित लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाती है नहीं करती है वह हमारी भारतीय संस्कृति का एक अनुपम उदाहरण है अनुपम नहीं कही जाए अनूठा कहा जाए अनूठा उदाहरण है तो भारतीय नारियां पर्दा में रहती हैं काम के समय कम जब आती है जो काम वैसा है, जहाँ जिस तरह का काम है वह काम तो करेगी ही उसमें पर्दा का जहाँ गुंजाइश है वह पर्दा में रहती हैं अन्यथा नहीं लेकिन प्रायः भारतीय नारियां पर्दा में ही रहना पर्दा नशीन कहा जाए हुआ है हाँ घूंघट पर्दा का मतलब यह हुआ जो घूंघट काट के रखना और सिर से थोड़ा नीचा ही जैसे बात हो सके तो वहाँ की औरतों में यह थी ये बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग वहाँ का ऐसा हो गया था पहले तो लोग अतिथि को महान समझते थे लेकिन कुछ घटनाएं कहीं कहीं हो गई कुछ अतिथियों द्वारा कुछ गलत कार्य हो गए यानी चोरी हो गए घरों में इसलिए लोग वहाँ अपने यहाँ ठहरने देना नहीं चाहते तो वैसे में भिखमंगों को कि पहले बहुत सेवा किया करते थे उस समय में भिखमंगे को भी अपने घर में ठहरने नहीं देते थे उन्हें डर था चोरी के डर से वे भीतर नहीं आने थे नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जाए जो आप बिल्कुल अपरिचित हों भी घर की बहू सास अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं ऐसा और आपके लिए पका दी नहीं रास्ते में चलना है कहीं घर पर किसी घर पर ठीक है आप उसके घर में चले जाइए उसकी औरतें वहाँ है वहाँ आप कहिए हमें चाय पीनी है तो आप चाय का सामान उसे ले लीजिए वो बना कर खुद दे दीजिए उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करती और न कोई पैसे की मांग करती वह उस यात्री को ए, अपना प्रभु ईश्वर इस, समझते थे अति जैसे अतिथि देवो का देवो भाव का भाव उनमें था इस तरह से चलती थी उसमें मक्खन और सोडा नमक दीजिए कहता है वो आपके लिए पका देती इस तरह से चाय का वर्णन बैठा की जगह चूल्हे से दूध आपको दर्शा बनाने की एक सिस्टम अलग थी जो आजकल पत्ती लोग चीनी दूध पत्ती चीनी डालते हैं उस समय मक्खन रास्ता था लोग ले जाते दूध कहाँ ढोकर ले जाएंगे यात्री तो मक्खन ले जाते थे और मक्खन को मथते थे और मथ करके उसने पानी देकर वो दूध का रूप उसे बनाते थे और उसको ये करते थे उसे देते थे वह उतना ही दूध डाल करके चाय बना करके दिया करती थी प्रत्यक्ष चीनी किले में आ, किले से जब कहते हैं लेखक जब हम वहाँ से चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने जो इस रास्ते से जा रहे हो इसका टैक्स दो हमने दोनों चित्ते उसे दे दी क्योंकि इन्हें यात्रा करनी थी इसलिए उन्होंने वहाँ का जो ये मुद्रा होता है चित्ता और दो चित्ता दोनों आदमी के तरफ से लेखा कहते हैं हम दिए लहासा यह तिब्बत का तिब्बत की जो मुद्रा होती है वह दे दिया उसी दिन वे लोग कहते हैं उसी दिन हम थोंगला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए थोंगला यह भी तिब्बत का ही एक गांव है जो अंतिम छोड़ पर था वहां ये लोग पहुंच गए और वहां पर उनके मित्र जिनका नाम सुमित था उसके जान पा जान पहचान के आदमी थे भिखभंगे रहते हुए ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली पाँच साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे और भीखमंग ने बेस बेस में घोड़ों पर सवार होकर आए थे सुमित जी ये नहीं गए थे लेखक तो इसी बार गए थे वो उस उस साल उस रास्ते से जब नेपाल के रास्ते से लौटे थे तो वहाँ एक भद्र व्यक्ति के तरह घोड़े पर सवार होकर आए थे इसलिए तो इस बार प्रतिबंध के कारण भिखमंगे के बेस में थे फिर भी उन्होंने इन्हें पहचान गया और इन्हें आश्रय जी रहने के लिए शाम के वक्त छंग पीकर हम लोग होश हवा से दुरुस्त रखते हैं वहाँ पर वहाँ पर ये रहे पता चला उन लोगों से इन समाज से बात किए तो वे छंग एक नया ये होता है नशा की वस्तु होती है तो वहाँ के लोग इसके आदित थे उन्होंने कहा आज हम लोग शाम होते होते छंग पीकर मस्त हो जाते बेसु सो जाते हैं बस हो गया कैसे सो जाते हैं और दुरुस्त रहते हैं सुबह में हमारी हमारे कोई कमजोरी जबकि पहाड़ पर रहने वाले अधिक परिश्रमी होते हैं उन्हें दिन भर बहुत कम से कम चढ़ने में भी तो पहाड़ पर चढ़ना उतरना कोई आसान काम तो है नहीं तो उसमें तो कठिनाई होती है, परेशानी होती है, थकावट होगी तो वो इसलिए वहाँ का समाज वहाँ के लोगों में यह मनोविद यह ऐसी आदत पड़ी हुई थी कि शाम में हो कुछ नसां वो कुछ नशा जिसे छंग कहा जाता है वो लेकर के सोया करते थे अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था वहाँ से अगली पहाड़ी डांडा थोंगला था लेखक लिखते हैं जो हमें उसको पार करना था डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है जहाँ सोलह सत्रह हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मिलो तक गांव गाँव गाँव घर नहीं गए उस पहाड़ी पर चढ़ने आप आप गए होंगे अगर पहाड़ी भूमि पहाड़ी जगहों का सैर किए होंगे देखे होंगे तो रास्ते चारों बल से घुमावदार होता है और उसी के बगल में छोटे छोटे गांव होते हैं। कहते हैं इस जगह पर से जाने में उस यात्रा में कहीं कोई गांव नहीं था और मील मील पर घुमावदार रास्ता क्या दुर्गम हुआ वीरान तो जगह कहीं किसी का वैसे पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी तो बिरल ही होती है घनी आबादी होती नहीं है तो बिरल आबादी में भी बिरल तम कहीं कोई नहीं पहाड़ों के कोनो काम तक दूर आदमी देखा नहीं जा सकता कहीं भी दूर में आदमी जब तक मोर मोर ही मोर तो इस यहाँ से, से चल रहे हैं तो आगे कोई आदमी दिख नहीं रहा है इस तरह से मोर पहाड़ों को देखा नहीं डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है या तिब्बत के गांव तिब्बत में गांव आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी नहीं मैं सजा भी मिल सकती है लेकिन निर्जन स्थान में मरे हुए आदमी के लिए कोई प्रवाह नहीं कर कहते हैं तिब्बत के गांव में अगर किसी को गैर आदमी को ही कोई, -कोई खून कर दे तो खूनी को सजा मिल सकती थी लेकिन वीरान जगह पर मार के फेंक दिया उसके लिए कोई अता पता नहीं कोई व्यवस्था नहीं प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी उस निर्जन यात्रा में लेकिन निर्जनता मरे हुए आदमी कोई को सरकार खुफिया विभाग पुलिस उतना खर्च नहीं करती वहां गवाह भी तो नहीं मिल सकता डकै पहले आदमी को मार रहा फिर उसके बाद देखता कुछ पैसा है यार वहाँ के डट को यह सिस्टम था वह लोगों को जिसको राहगीरों को पकड़ता था पहले मार देता था अब मारने के बाद उसके जेब को सर्च खोज खुछ, खोजता था उसके जेब में पैसा है कि नहीं नहीं है तो अभी लाश लेकर ठेल दिया खाई में गिर जाओ चाहे कुछ हो जाओ वह चलता बना नहीं माल असभा है पैसा है तो अपना पैसा उसके जेब से निकाल लिया उसे छोड़ दिया इस तरह की होती थी वहाँ की सरकार पुलिस पर या खुफिया विभाग पर उस रास्ते के संरक्षण के लिए उस वह सरकार अक्षम थी उसके पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं उस समय में, में कहते हैं लेखक जो वहाँ पर हथियार रखने पर प्रतिबंध नहीं था इसलिए जिस तरह से हम लोग अपने भारत में कहीं किसानों कृषक कृषक का बाई घूमना अपने फसलों को देखने के लिए जाना चाहिए कहीं घूमने में एक लाठी लेकर चलते हैं तो तिब्बती लोग बंदूक और पिस्तौल लेकर ही घुमा करते थे डाकू यदि जान से मारे तो खुद अपने प्राणों का खतरा है गांव से हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया शायद खून की तरह हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमगे थे जहां कहीं वैसा सूरज देखते टोपी उतार जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते भिख मांगे कहते हैं तो सुमित जी जो इनके मित्र थे वह तो कई बार गए हुए थे इसलिए उनके उन्हें मालूम था अगर डाकू भी मिला तो कहते हैं जो डाकू अगर मिला नहीं अगर मिलता भी तो हम लोग टोपी अपना उतार लेते तृप्ती टोपी और कुची कुची कहते हुए पैसा मांगने लगते हाथ पसात तो वो समझता है मंगा है ये क्या देगा इसलिए वो मारेगा नहीं मारता नहीं यानी कुची कुची का अर्थ होता है दया करो दया करो कुछ पैसे दो लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते अगला पड़ो सोलह सत्रह मील से कम नहीं था मैंने सुमित से कहा यहाँ से लांगकोट तक के लिए दो घोड़े कर लो सामान भी रख लेंगे और चढ़े चढ़ चल लेंगे यात्रा में जब शाम हुआ तो उसी जगह किसी गांव में रह गए और अगली पहाड़ी चढ़ाई के लिए थोंगला के लिए उन्होंने अपने मित्र से कहा दो घोड़े करो उस पर क्योंकि सामान को पीठ पर लाद कर और पढ़ाई चढ़ाई पर चढ़ना थोड़ा कठिनाई महसूस होती थी रास्ता तो दुर्गम थी ही पहाड़ी रास्ता थी इसलिए उन्होंने अपने मित्र कहा दो घोड़े कर लो उस पर सामान भी ला लेंगे और चढ़ भी चलेंगे घोड़ा की घोड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में प्रायः लोग घोड़े की सवारी करते हैं घोड़ा आसानी से जाता है तो उस तरह से वह भी अपना किए अगला पड़ाव के लिए वह लोग किए दूसरे दिन हम लोग घोड़े पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर तक डांडे के ऊपर जा पहुँचे हम समुद्र तल से सत्रह हजार फीट ऊँचे खड़े थे वहाँ से समुद्र तल की की नाप बता रहे हैं जो सत्रह अठारह हजार फीट समुद्र तल वहाँ से नीचे था यानी समुद्र तल से सत्रह अठारह हजार फीट की ऊंचाई पर ये थे दक्षिण की तरफ पूरा पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे और हिमालय आप जानते ही हिमालय का अर्थ ही होता है बर्फ का घर हिम जोर आलय हिम माने बर्फ आलय मने घर तो वही जी वहाँ से जितनी शिखरें दिखती थी सभी बर्फ़ों से अच्छा दिद थी अच्छा दिख का भरे थे जैसे मालूम पड़ता था जो कोई ये करने वाला चूना करने वाला मजदूर अभी तुरंत तुरंत चूना करके स्वेत बिछा कर चला गया चूना करके गया निकला हुआ सफ़ेदी बर्फ की सफ़ेदी चादर की तरह किसी तरह की हरियाली उत्तर से तरह बहुत कम वाली दिखाई पड़ती थी कहीं कहीं उस पहाड़ियों में कोई कोई पहाड़ियाँ थी जहाँ पर बर्फ नहीं था तो वहाँ हरियाली दिखती थी ऐसा पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है जो वहाँ कुछ नहीं हरियाली कहीं कहीं देखा और सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान जो पत्थर के ढेर जानवरों के सिंग रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियाँ झंडियाँ से सजाया गया तो वहाँ तिब्बती लोगों का जो देवता थे उनका देव स्थान था जो क्या था स्थान में ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं पत्थर के टुकड़ों का ढेर जानवरों के सिंग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडिया से वह स्थान सजा हुआ था अब हमें बराबर उतराई पर चलना था चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं शायद दो एक और सवारी साथी हमारे साथ चल रहे थे मेरा घोड़ा कुछ दिन में चल रहा था अब ऐसा हुआ दोनों मित्र जा रहे थे कुछ और राहगीर भी थे अब उसमें सबसे कम चलने वाला इन्हीं का घोड़ा हो गया अब उतर रहे हैं पहले तो चढ़े ऊपर अब नीचे उतर रहे हैं उस उतराई के समय में इनका घोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुमित का घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया एक जगह रास्ते फुट रहे थे एक जगह दो दोराहा दो राहा आ गया रास्ता फूट रहा अलग हो दो रास्ते हो गया ये एक दूसरा रास्ता पकड़ लिए डेढ़ मील तक चला गया आगे एक घर पर पूछने पता लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था कुछ दूर आगे गए तो ये तब तो लंकोर जाना था उन्होंने पूछा लंकोर यहाँ से कितना कहा लंकोर यहाँ कहा लंकोट तो आप पीछे ही छोड़ दिए पीछे ही से जो रास्ता दो रहा था उसके दाएं वाले रास्ता पकड़िए तब आप लंकोर जाएंगे फिर डेढ़ मील का रास्ता उस पहाड़ी पर चढ़ाई पर इन्हें चढ़ना पड़ा इनको रास्ते में इनको बहुत दिक्कत हुई और घेरा धो रहा मैं समझा कि चढ़ाई थकावट करें ऐसा कर रहा है उसे मारना नहीं चाह धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया मैं दोन और तरह घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था जान नहीं पड़ता घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जब मैं जोर देने लगता तो सुस्त पड़ जाता का दो रास्ते पूर्ण हो गया इस तरह से यह जब पता चला जो दाहिने वाला था फिर लौटकर उसी को पकड़ा चार पाँच बजे मैं गांव के मील भर पार पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले मंगोलों का मुंह वैसा ही लाल होता है अब वहाँ वहाँ पर वहाँ के वासी को मंगोल कहे जाते थे कहते हैं उनकी मुंह की आकृति कहते हैं उनका मुंह लाल ऊपर आगे से होता है और जैसे मालूम पड़ता है वह गुस्से में ही हैं सुमित भी इनको देखा उसे भी गुस्से हुई, उनका मित्र को बहुत देर इंतजार करना पड़ा आखिर इन्हें या हुआ जिस साइड रास्ते में कहीं चाय पीने लगा या कहीं रह गया मैंने दो टोकरी कंडे फूंक डाले तीन चार बार चाय गरम किया मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला तब तो यह लेखक ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं मैं कहीं रुका भी नहीं देख नहीं रहे हो मेरा घोड़ा कैसे मुझे कैसा मिला मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था कि मैं रात तक कहीं लंकोर पहुंचूं खैर सुमित की जितनी जल्दी गुस्सा आता उतना ही जल्दी ठंडा भी होता लंगकोर में वह एक अच्छी जगह ठहरे थे यहाँ भी उनके अच्छे अजमान थे पहले चाय सत्तू खाया रात को गर्मा गर्म थक्का मिला थक्का भी एक भोजन है जो इन्होंने वहाँ पर दिया गया वहाँ वह वा रहे हुए थे इसलिए वहाँ उनको रहने में कोई कठिनाई नहीं हुई जान पहचान परिचित लोग थे इसलिए उनका आदर भाव बहुत किया गया। इसके आगे का पड़ा वे की विशाल मैदान में थे वहां से नीचे आकर के मैदानी भाग में ये उतर चले लेखक लिखते हैं जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा मालूम होता था चारों बगल से पहाड़ बीच में समतल मैदान वह टापू की तरह दिखता था जिसमें दूर तक छोटी सी पहाड़ या मैदान के भीतर दिखा उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधगिरी उस का नाम था तिंग तिंगरी समाधगिरी आस के गांव में सुमित के कितने ही यजमान थे कपड़े की पतली पतली चीरी बच्चियाँ गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े को खत्म हो जाने पर किसी कपड़े को बोधगा गंडा बना लेते थे यह होता भी है हम लोग यहाँ भी यदि बद्रीनाथ के केदारनाथ के या गंगोत्री या जमनोत्री ये सब चारों धाम के पंडे लोग आते हैं पुजारी लोग कभी कभी हम लोगों के क्षेत्र में भी आते हैं तो वे प्रसाद और गंदे देते हैं यानी बद्धि देते हैं जो एक धागा होता है चाहे कपड़े का फटा हुआ भाग तो सुमित भी वही किया था बोध गया से लाया था लेकिन रास्ते में खत्म होने पर वही कपड़ा खरीद कर वैसा ही बना लिया था जो बांटते जा रहा था यजमानों को लाया गया हुआ यजमानों के पास जा मैंने सोचा तो हफ्ता भर उधर लगा देंगे मैंने कहा कि जिस गांव में चढ़ना है उसमें भले गंदे बांट दो बांट दो मगर आसपास गांव में मत जाओ कहा यह अपने दोस्त सुमित से कहे जो तुमको जो बांटना है वह बांट दो लेकिन गांव अगल बगल के गांव में लेकिन दूर गांव नहीं जाओ लेकिन दूसरे दिन भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला सवेरे ही चल दिया था लेकिन अब दस ग्यारह बजे तक तेज धूप चलना पड़ रहा था तिब्बत की धूप बहुत कड़ी मालूम होती यदि थोड़े ही से ही मोटे कपड़े सिर पर ढक लेता तो गर्मी खत्म तो हो जाती दो बजे सूर्य की मुंह उड़ करके चल रहे थे लाल धूप से जल रहा है पीछे कंधा बर्फ हो रहा है हमने पीठ पर अपनी चीजें ला दी और डंडा हाथ में लिया और चल पड़े वहाँ भी उनके सुमित के कुछ जजमान परिचित थे तिंगरी में लेकिन वह एक और जजमान से मिलना इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी जैसे हमारे यहाँ पहले जमींदारी प्रथा थी बड़े बड़े जमींदार के सारे खेत हुआ करते थे और जो और भी लोग थे उसी खेत को में खेती करते थे उनको टैक्स दिया करता था, वह सरकार की भूमि नहीं होती जमींदारी उन्मूलन के बाद यह हुई जो जितने भी जमीन है सभी ज़मींदारों के नहीं रहेंगे वही सभी लोगों में बांट दिया गया और सभी लोगों को सरकार को इसका टैक्स भरना होगा ऐसा जन जमींदारी उन्मूलन के बाद ऐसी प्रथा अपने यहाँ भी लगी उसी तरह से वहाँ भी जागीरदारी थी कुछ लोग थे जिनका सारा जमीन था तो जागीरदारी में बची थी इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था इस तरह से हर अपना ज़ागीर के हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता जिसके लिए मजदूर बेकार मिल जाते खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षू भेजा जाता जो जागीर के बड़े भद्रपुष्ट थे इस तरह से वहाँ बौद्ध मठ जिसे बिहार कहा जाता है आप यह भी जानते हैं आपको मालूम ही होगा हमारा हमारे देश का हमारे राज्य का नाम बिहार क्यों बिहार का मतलब है बौद्ध मठ जिसकी अधिकता हमारे राज्य में थी यानी गया तो आप गया होंगे गया में बोध गया गए होंगे गया में जाकर देखें बौद्ध मंदिर कितने हैं इस तरह से वहाँ बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसे बिहार कहा जाता है उसको बौद्ध मठों को वो बिहार कहते हैं इसलिए उसी के नाम पर हमारे राज्य का भी नाम बिहार पड़ा है बिहार पड़ा हुआ है तो वहाँ भी वही था बिहार थे और ये जितने भी जागीरदार लोग थे सभी मठों के ही थे वह जागीरदारी मठों की ही थी और उसकी खेती होती थी वहां मजदूर से लोग खेती कराया करते थे और उसका देख रेख अपने कर किया करते थे आदमियों को राजा कम नहीं राजा राजा कम नहीं होता शेखर की खेती मुखिया भी नमस्ते पर थे बहुआ बहुत प्रेम से मिले उन लोगों से मिले उस मेरा भेष ऐसा नहीं था कुछ भी ख्याल करना चाहिए यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें जिसे कंजूर यानी बुद्ध बचन का हस्तलिपि 130 सौ तीस पोछियां रखी पोषियां रखी हुई थे मेरा आसन भी वही लगा वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी एक एक पोथी पंद्रह पंद्रह से कम नहीं रही होगी सुमित ने फिर आसपास गांव में यादवानों पास चले जा पर पूछा मैं अब पुस्तकों के भीतर था इसलिए मैं जाने के लिए कर दिया दूसरे दिन वह गए मैं समझा दो तीन लगे लेकिन उसी दिन दोपहर बाद चले आए तिंगरी गाँव में बहुत दूर तक नहीं, नहीं था हमने अपना अपना सामान पिट पठाया अभिक्षुक नस नशे से विदाई लेकर चल पड़े वापस आ गए यही कहानी है यात्रा वृत्ंत यही है यानी इसमें लेखक ने तिब्बती समाज का वर्णन किया है यानी तिब्बती लोग उतने खड़ा ये उत्तम विचार के लोग थे जिन्हें बौद्ध की शिक्षाएं बौद्ध धर्म की जो मुख्य शिक्षाएं हैं सत्य बोलो अहिंसा का पालन करो जीवों को कष्ट मत दो वही तो अहिंसा ही है इस तरह के इस उपदेशों को मानते हुए लोग भले थे और ये जहाँ रुके वहाँ बहुत सारे बौद्ध की किताबें थी बौद्ध धर्म की किताबें थी ये अपने मित्रों का हाथ में जहाँ जाना हो वहाँ घूम फिर लो दो चार दिन में और इसके बाद हम लोग वापस चलेंगे तो वह गए जजमान कुछ जजमान मिले अगल बगल में और दूसरे दिन ही दोपहर में ही वापस आ दूसरे दिन दोपहर में वापस आ गए और फिर दो तीन दिन रहकर वहाँ के पुजारियों से विदा लेकर विदाई लेकर पुनः ये अपने वापस अपने देश वापस चले आए यह इसमें इस है यात्रा वृत्त में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जो लेखक ने आखिर क्यों तिब्बत की यात्रा की तो लघुत्तर यह क्वेश्चन में आएगा और किसी किसी पहाड़ जैसे चोंगला तिगरी आदि जो पहाड़ियाँ हैं इसके बारे में इसका क्या स्थिति थी इसकी ये रा, रास्ते कैसे दुर्गम थे किस तरह के खतरनाक रास्ते थे इस संबंधी प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसके बाद इसमें तिब्बती समाज में बौद्धिस्ट की क्या क्या गुण थे साथ ही तिंगरी के में जागीरदारों की क्या क्यों कौन से जागीरदार थे किस तरह की वो खेती कराया करते थे किस तरह से वहाँ मठों में क्या सब थी इसी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते